दिव्य हिंदी न्यूज, लोकशाही का मजबूत आधार स्तंभ। आज गणेश चतुर्थी का पावन दिन है। इस अवसर पे पूरे राज्य, देश और पूरे जगत में बाप्पा का आगमन हुआ है। मैं दिव्य हिंदी न्यूज़ के सभी दर्शकों को गणेशोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और बाप्पा से प्रार्थना भी करता हूं कि जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज का निर्माण किया था और सभी किसान उसमें खुश थे और सक्षम थे, उसी तरह से महाराष्ट्र की आगामी जो गतिविधियां होने वाली है उसमें महाराष्ट्र का नेतृत्व महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो अभी है अजीत दादा, उन्होंने मुख्यमंत्री होकर करना चाहिए। यही मैंने भगवान के चरणों पर प्रार्थना की है और दिव्य हिंदी न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को फिर से एक बार मैं गणेश जी के इस आगमन पावन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और हमारे महाराष्ट्र में जातीय सलोखा कायम रहे, ये भी मैं प्रार्थना इस वक्त भगवान के चरणों में समर्पित करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज। न्यूज क्षेत्र के सारे प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मजबूती से खड़ा, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, आईटी प्लेटफॉर्म और न्यूज एप्लीकेशन। दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को अभी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहे। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।